हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये है आज संडे का व्लॉग है, और ये बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और उनके पसंदीदा फेवरेट राजमा चावल बनने वाले हैं। ये राजमा है काले वाले, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, थोड़े हार्ड रहते हैं लेकिन स्वाद इनका है। और ये हैं वाइट कलर वाले, थोड़े ब्राउन ब्राउन से, तो इसका स्वाद थोड़ा कम लगता है, कम अच्छा लगता है। तो मैंने दोनों कर लिए हैं मिक्स, काले वाले ज़्यादा ले लिए हैं ब्राउन वाले, और ये थोड़े मैंने कम ले लिए हैं। तो दोनों को मिक्स कर लिया है जिससे स्वाद इनका दुगना हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और बच्चों का फेवरेट है राजमा चावल, बहुत ही फेवरेट है, तो मैं ये बनाने वाली हूँ और ये फटाफट बन जाने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है। ध्रुव छोटा है तो उसको तो पढ़ाना पड़ता है, और फिर ये एग्ज़ाम, ये मैंने रात में ही भिगो दिए थे, रात में तैयारी कर दी, 8 घंटे तो चाहिए इनको भिगोने के लिए। और साथ में बना रही हूँ मैं राइस, ये एक गिलास ले लिया है बच्चों के लिए, दिन में हो जाएगा, और इतना मैं बना दिया है। चावल को भी मैं भिगोती हूँ पहले, फिर उसके बाद बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो राजमा ने हमारा देखो कितना अच्छा कलर छोड़ा है, रेड कलर के राजमा ने बहुत अच्छा कलर हो जाता है, और वो वाइट हो गए हैं एकदम, तो उनका स्वाद थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों मिक्स कर लिए थे ताकि ये भी ख़त्म हो जाएंगे साथ में। और मैंने भिगो दिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसमें देखो ये पानी डाल के और फिर इसको बॉईल कर लूँगी, 7-8 सीटियाँ तो इसमें लगेंगी ही, तब ये हमारा अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है, पानी के साथ मैंने इसमें एक तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, और ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, कम मसाले में ही बहुत अच्छा टेस्टी खाना बन जाता है और हेल्दी भी रहता है, सबके लिए बहुत अच्छा भी रहता है। मैंने साथ में डाल दिया है नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगा जिससे हमारा राजमा का पानी बाहर नहीं निकलेगा, और ये उसी में बहुत अच्छे 7-8 सीटी तो इसमें कम से कम लगानी ही पड़ती है, तब ये राजमा बहुत अच्छे से एकदम पक जाते हैं। और थोड़ा सा डाल दें इसमें एक पिंच सोडा, जिससे बच्चों को एसिडिटी वगैरह भी नहीं बनेगी, हैवी नहीं पड़ेंगे और टेस्टी लगता है, बच्चों का फेवरेट है ये सब। और मैंने अभी काट लिया है अमरूद, तो ये सुबह मॉर्निंग के बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम थोड़ा फ्रूट्स लेते हैं, तो ये मैंने बहुत अच्छे अभी अमरूद आ रहे हैं तो मैंने ये काट लिए है, बच्चे भी खा लेंगे सब। और ये रेड कलर का निकला था, बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं राजमा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, तो मैंने इसमें टमाटर ले लिए 4, ग्रेवी बहुत अच्छी बनानी है तभी अच्छा लगेगा, तो मैंने 3 प्याज ले लिए हैं, थोड़ा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, ज़्यादा कम मसाले से ग्रेवी, मसाले कम और ग्रेवी ज़्यादा तो ही अच्छा लगता है। थोड़ा राजमा घर पे बनाते हैं तो घर के हिसाब से ही बनाया जाता है, तो मैं इस सब कुछ डाल दिया एक साथ, कुछ लहसुन की कली थी और टमाटर भी और प्याज भी, मैंने सबको एक साथ, और अच्छे से मैं इस मसाले को भूनूंगी ताकि हम, क्योंकि मैंने प्याज वगैरह सब एक साथ, और साथ में बना रही हूँ मैं जीरा राइस, और थोड़ा सा घी डाल दिया है और मैंने जीरा डाल दिया खूब सारा, और मैंने अपने राइस वॉश करने के बाद मैंने इसमें भिगोए हुए डाल दिए हैं, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि जीरा राइस बच्चों को फेवरेट होता है, तो मैंने ये सबके लिए बना दिया है। अब कर लेते हैं राजमा बनाने की तैयारी। तो मैंने ऑयल ले लिया है, ये ऑयल में मैं डाल दूंगी, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया तो मैंने जीरा डाल दिया है, कुछ भी ज़्यादा मसाले खड़े मसाले की ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैंने पेस्ट बना लिया फटाफट क्योंकि साथ में मैं ध्रुव की तैयारी भी चल रही थी एग्ज़ाम की, तो मैं वो भी करवा रही थी और ये खाना भी बना रही थी। तो मैंने टमाटर और ये सब एक साथ एक पीस लिया है, बस इसको भूनने की ज़रूरत है, और इसमें डाल दो फटाफट, तो ये और थोड़ी देर के लिए ढक दो तो बहुत अच्छे से भून भी जाता है फटाफट, क्योंकि पहले अगर मैं आराम से बनाती हूँ तो प्याज वगैरह पहले भूनती हूँ, प्याज लहसुन जो भी है सबको, फिर बाद में टमाटर का पेस्ट डालती हूँ, लेकिन मैंने सब एक साथ डाल दिया। और हमारे जो नमक मिर्च मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे हम, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, धनिया पाउडर तो बहुत ज़रूरी है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, और हमारा राजमा मसाला है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है राजमा में, आप कोई भी और गर्म मसाला ले सकते हैं लेकिन राजमा मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्टी भी लगता है, थोड़ा बच्चा मसाले की वजह से ही ज़्यादा खुशबू से पसंद करते हैं। तो मैंने राजमा भी हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, एकदम गल चुका है, थोड़ा सा सोडा डालने से ये और अच्छा हो जाता है और अच्छा भी रहता है खाने में, तो मैंने डाल दिया, बच्चों को पसंद है, 2-3 दिन बाद खाते हैं बच्चे राजमा चावल, तो ज़्यादा पसंद आता है, दिन में 2 बार तो चाहिए ही उनको, क्योंकि वो जब राजमा चावल बनाते हैं तो रोटी नहीं खाते हैं, तो उनको यही पसंद आता है क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाता है, और हमारे राइस भी पक चुके हैं, एकदम खिले खिले चावल बन चुके हैं।
बताएं, एक गिलास चावल थे तो मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था, और घी से एकदम खिले खिले बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं ये वाले चावल। तो हमारे राइस भी और राजमा भी बन गए, तो मैंने डाल दिया है धनिया, ग्रेवी बहुत अच्छी आई है। अगर फटाफट बनाने तो आप इसमें 1 सीटी भी लगा सकते हैं, 2 विसल लगा सकते हैं, जिससे राजमा का मसाला अंदर ही पक जाएगा। लेकिन मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया था, इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं थोड़ा पतले ही रखती हूँ ताकि बच्चों को ग्रेवी थोड़ी देर में ये गाढ़े हो जाते हैं। और नींबू बहुत ज़रूरी है, मैं लास्ट में डालती हूँ नींबू खट्टे के लिए, अमचूर इसमें यूज़ नहीं करता। और टमाटर भी बहुत खट्टे नहीं थे, क्योंकि वो ऐसे देसी टमाटर नहीं थे, तो देसी टमाटर होते हैं, तो मैं तीनों के लिए कर ठंडा कर देती हूँ। राजमा चावल फेवरेट है उनको, एग्जाम चल रहे हैं और उनके हेल्दी खाना भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, नींद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बच्चों के लिए फेवरेट खाना बनाएं एग्जाम के समय में, और वो खुश भी रहेंगे और पढ़ाई भी करेंगे और मस्त रहेंगे पूरे दिन, और उनको टेस्ट टेस्टी खाना मिलता रहेगा, तो वैसे ही खुश रहते हैं। बच्चे को पसंद का बनाया जाए तो एग्ज़ाम के समय में, और एग्ज़ाम में बच्चों को पढ़ना भी खूब सारा पड़ता है, थोड़ा दिमाग भी लगता है, तो इसलिए उनका हेल्दी खाना प्रोटीन फाइबर से भरपूर खाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।